जहां पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा कृषि अध्यादेश लाए जाने का विरोध किया जा रहा है, वहीं हरियाणा के करनाल में भी बंद के दौरान किसानों द्वारा करनाल मेरठ स्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। पंजाब व अन्य राज्यों के साथ साथ हरियाणा में भी आज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जींद मार्ग पर जाम लगाया गया, तरावड़ी में भी जाम लगाया गया, वहीं करनाल के गांव शेखपुरा के समीप लोगों ने स्टेट हाईवे पर इकट्ठे होकर नारेबाजी की एवं अध्यादेश वापस किए जाने की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट राजबख्श सिंह ने जाम लगाए बैठे किसानों से बातचीत की और लोगों की परेशानी को देखते हुए जाम खोलने की अपील की, परंतु किसान अपनी बात पर अड़े रहे। यहां हम आपको बता दें कि पूरे देश में 3 कृषि अध्यादेश लाए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते पंजाब हरियाणा से आने वाली रेल सेवाएं भी बाधित हो रही हैं एवं अन्य यातायात भी बाधित हो रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि कृषि अध्यादेश भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर 25 सितंबर यानी आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते पंजाब हरियाणा व अन्य राज्यों में भी सड़कें जाम की जा रही हैं और किसान उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करनाल मेरठ रोड पर शेखपुरा सुहाना गांव के समीप बड़ी संख्या में किसान मेरठ चौक करनाल हाईवे पर इकट्ठे हुए और अपनी मांगों को लेकर जाम की स्थिति बना दी। फिलहाल मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश भी की। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। कदम उठाया है, कितनी बड़ी मजबूरी रही उसकी। आज हमारे देश की किसान और मजदूर की मैं आपको बता दूं, चाहे देख भी लियो कोई रिकॉर्ड निकाल कर, आप आज हमारे प्रदेश की हरियाणा की और पंजाब की जहां पहले प्रक्रिया ये मंडिया जो प्रबंधन है ठीक तरीके से चालू है, चालू होने के बाद भी जो किसान परिवार जो मजदूर परिवार खाली खेती पर निर्भर है आपको मोटा कर्ज बंद मिलेगा। ये इस जो पहली प्रक्रिया होने के बावजूद भी मोटा कर्ज बंद है, अगर ये नई प्रक्रिया जारी हो गई तो हालात क्या होंगे देश के, हमें तो यही नहीं पता कि हमारा गुजारा कैसे होगा, क्या हालात होंगे देश के। आपका धरना कब तक चलेगा? 4 बजे तक। सर यहाँ पे जो परिवार भी आ रहे हैं दूर दूर से यूपी से, हम सबको रास्ता दे रहे हैं, जो परिवार समेत जो मोटरसाइकिलों पर आए हैं जिन्होंने हमारे पास आकर बताया, हम सबको रास्ता दे रहे हैं। आपका नाम क्या? सुरेंद्र सांगवान। 10 से 4 बजे तक इन्होंने टाइम दिया, क्या खुलवाया जाए क्योंकि काफी लंबा जाम है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बात चल रही है हमारी, अभी हम डी साहब से इस बारे में बात कर रहे हैं, जाम तो हम कोई बाधा नहीं आने देंगे और किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। सर यूपी से काफी परिवार वाले हैं वापस मुड़ते हुए नजर आए, क्योंकि काफी दूर से आ रहे हैं, काफी परेशानी को सामना भी करना पड़ रहा है। नहीं कर रहे हैं, समाधान खुलवाएंगे जाम, हम किसी को भी कानून में हाथ में नहीं लेने देंगे, तो अभी बात ऊपर करके अभी खुलवाते हैं जाम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।